हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो भाई लोग कैसे हो? सो गाइस, रिकॉर्डिंग मैं दूसरी बार कर रहा हूँ। पहली बार रिकॉर्डिंग कर रहा था तो माइक ऑफ था गाइस। काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कही थी उस रिकॉर्डिंग में, थोड़ा मतलब पंच उंच भी मारे थे, बट अब क्या कर सकते हैं गाइस। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पोकेमोन है गाइस, जिसका नाम है आर्टिकुनो, और ये कैंटोरिज्म का है गाइस। ठीक है, कैंटोरिज्म का है, प्लस ये एक लेजेंडरी पोकेमोन है, आइस ऑफ फ्लाइंग टाइप है गाइस। और कहते हैं जब ये उड़ता है, जब पंख फैलाता है, फड़फड़ाता है, तो मतलब स्नोफॉल होती है गाइस। ठीक है, तो ये सब बातें लिखी हुई यहाँ पढ़ सकते हो यार, फ्रीज पोकेमोन। तो ये सब इधर लिखा हुआ है, हाइट वेट सब कुछ लिखा हुआ है। एक बार देखा, एक बार पकड़ा, लकी नहीं है, प्योरीफाइड भी नहीं है। तो ये सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं गाइस। तो अभी हम लोग बात करते हैं गाइस इस पोकेमोन के बारे में। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी गेट आर्टिकुनो, हाउ वी पावर अप इट, हाउ वी नॉट हाउ दिस टाइम, व्हाट आर द बेस्ट मूव सेट, एंड इतना ठीक है गाइस। सो गाइस, एंड वीकनेस एंड रेजिस्टिविटी आल्सो। सो हम लोग इस वीडियो में बहुत कुछ बात करने वाले हैं आर्टिकुनो के बारे में, बिल्कुल मतलब विस्तार रूप से बात करेंगे गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकुनो की हमने स्टार्टिंग में आपको शकल वकल दिखा दी है, तो इसको पकड़ेंगे नहीं यार, पकड़ने में बहुत बेस्ती होती है यार, लोग कमेंट करते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि हाउ वी गेट आर्टिकुनो, आर्टिकुनो मिलेगा कैसे गाइस। तो जब आर्टिकुनो मिलने की बात की जा रही थी, तो उसको मतलब हमें पकड़ना पड़ेगा गाइस। मतलब ये कोई ऐसा पोकेमोन नहीं है कि जो वाइल्ड में अपीयर हो या फिर किसी अंडे से निकले। तो ये मतलब इसके लेने के सिर्फ कुछ ही तरीके हैं, जैसे कि रिवॉर्ड मिल सकता है आपको। ठीक है, उसके बाद ये आपको मिल सकता है रेड में से, और तीसरा तरीका सबसे इजी तरीका है गाइस, सबसे इजीएस्ट वे है गाइस, वो है ट्रेड। आप लोग ट्रेड कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड हो गाइस, और उसके पास मतलब जो भी आपका लकी फ्रेंड बन गया हो और उसके पास आर्टिकुनो पहले से हैं, तो उस आदमी से आप ट्रेड कर सकते हो। सबसे इजीएस्ट वे वही है। फिर आपके पास आता है रिवॉर्ड वाला गाइस, कोई इवेंट हो, जैसे कि मेरे पास जो आर्टिकुनो है गाइस, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। लेट मी शो व्हाट आई हैव। सो वेयर इज़ द आर्टिकुनो, हेयर वी हैव आर्टिकुनो। सो गाइस, दिस इज़ अ शैडो फॉर्म ऑफ आर्टिकुनो। तो ये मुझे मिला था 1200 रुपीज़ खर्च करने के बाद गाइस, पोकेमोन गो फेस्ट में। गो फेस्ट की टिकट ली थी, तो उसमें जो एक सेकंड था उसके रिवॉर्ड में हमें एक आर्टिकुनो मिला था, बाकी भी बहुत सारे पोकेमोन मिले थे गाइस। तो ये मुझे मिला है रिवॉर्ड से गाइस। तो ऐसे ही रिवॉर्ड काफ़ी आगे भी आएंगे गाइस, ये नहीं है कि जो आ गया ख़त्म, आगे भी बार बार आएंगे ये रिवॉर्ड्स गाइस। तो डोंट वरी, स्टे विद अस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस अगर नए हो, क्योंकि अगर वो रिवॉर्ड आपको लेने हैं तो वो रिवॉर्ड की इन्फॉर्मेशन तो भैया ज़रूरी है ना गाइस। उसके बाद आता है कि रेड बैटल्स। तो रेड बैटल वाली मैं भैया देखो, बात ऐसी है कि आज जो डेट है गाइस, आज शायद से 14th of September है ये रिकॉर्डिंग का, जो डेट है गाइस 14th of September है, और 19th of September अगर आप डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे तो वहाँ पर 18th of September लिखा है, बट प्रवीण भैया को आप जानते हो तो हम आपको बिल्कुल सही एग्जैक्ट डेट बताएंगे। इंडिया के हिसाब से 19th of September को आपको मिलेगा आर्टिकुनो 5-star रेट में गाइस। ठीक है, ये बात सबको पता है गाइस, जो भी वीडियो भी 4-5 दिन में देखोगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है, अगर उनको नॉलेज नहीं थी। तो आर्टिकुनो आने वाला रेड में गाइस, तो वहाँ से हम लोग आर्टिकुनो को पकड़ सकते हैं गाइस। अब बात करते हैं गाइस, आर्टिकुनो आपने पकड़ लिया, चलो वेदर बूस्ट मिल गया 1900-2500 का गाइस, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे पावर अप, है ना। पावर अप मतलब होता है गाइस कि अब क्या है कि जो आर्टिकुनो लेजेंडरी पोकेमोन है गाइस, तो कोई भी लेजेंडरी पोकेमोन होता है उसकी एक मतलब, वो जो कैंडीज देता है ना, वो कैंडीज आपको ऐसे नहीं मिलेंगी। वो कैंडीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, ना तो आप उसको बड़ी बना सकते हो, बड़ी बना सकते हो, और बड़ी से इतनी कैंडीज आप ले नहीं सकते गाइस, क्योंकि बड़ी जो होता है वो 20 किलोमीटर में एक कैंडी देगा। स्पेशली लेजेंडरी पोकेमोन्स में क्या होता है कि वो 20 किलोमीटर चलते हैं, उसके बाद वो एक कैंडीज गिराते हैं। ठीक है, बट आप उसको जल्दी से जल्दी पावर अप करने के लिए क्या कर सकते हैं गाइस, एक तो आपके पास है कि जितने भी दिन आर्टिकुनो हो, ट्राई करें वेदर बूस्ट रेड करने की गाइस। जितना ज़्यादा अगर आप ट्राई करेंगे वेदर बूस्ट रेड करने की, उतना बढ़िया रहेगा गाइस, क्योंकि जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग मतलब आइस टाइप है, तो समझ जाओ आइस ऑफ लाइन टाइप, तो उसके लिए जो वेदर बूस्ट होंगे ज़्यादा मिलेंगे। पतंगे पतंगे जब बनी हो यहाँ पर, विंडी वेदर हो तो वहाँ पर मिल सकता है गाइस,
और स्नो वेदर में भी मिल सकता है शायद, तो इसकी मैंने इतनी रिसर्च नहीं की है, मैंने इतना देखा नहीं। सो गाइज अभी हम बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और, जिसमें कि आपका आता है कि जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप उसको पावर अप करना चाहते हो गाइज, तो पावर अप करने के लिए आप उसको बड़ी नहीं बना सकते, आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है, या तो आप जो भी इसका मतलब वेदर बूस्ट वाला वेदर बूस्ट हो, वेदर बूस्ट रेड लड़ो गाइज। वेदर बूस्ट रेड लड़ने में गाइज ये होगा कि वो आपको जो मिलेगा उसकी पहले से सीपी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसके बाद रेड लड़ते रहो, जितनी रेड लड़ोगे उतनी ज़्यादा रेयर कैंडीज मिलेंगी। तो गाइज एक मैं आई बटन पर वीडियो लगा दूंगा जिसमें मतलब मैंने रेयर कैंडीज के बारे में कुछ फैक्ट बताए और कुछ उसमें बताए कि रेयर कैंडी के सोर्स क्या है गाइज, कोई हैक वैक नहीं है उस वीडियो में गाइज, तो उस वीडियो को अगर देखना है तो आप देख सकते हो, उसमें कोई हैक नहीं है, सिर्फ आपको सोर्स बताया गया कि कहाँ कहाँ से रेयर कैंडीज मिल सकती हैं। तो वो आपको सिर्फ आर्टिकुनो में भी हेल्प नहीं मिलेगा, वो हर एक पोकेमोन में हेल्प करेगा, चाहे वो इवॉल्व हो चाहे पावर अप हो। सो गाइज अब बात करते हैं आर्टिकुनो के वीकनेस के बारे में गाइज। तो बहुत सिंपल सी बात है यार, आर्टिकुनो इतना प्यारा पोकेमोन है, इसको हमने बार बार बंद क्यों कर रख दिया, उड़ने देते हैं गाइज को, ठीक है। तो यहाँ पर अब आर्टिकुनो की हम लोग वीकनेस की बात करें गाइज, तो फ्लाइंग टाइप है और प्लस आइस टाइप है गाइज। तो गाइज आप लोग वीडियोज़ मेरे देखते हो तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोग को वीडियो को ऐसे समझाऊँ कि आप लोग चीज़ों को खुद अपने दिमाग से, कोई भी ऐसे टाइप का पोकेमोन हो तो आप सोच सको कि इस पोकेमोन के सामने मैं क्या पोकेमोन लेके जाऊँ। सो गाइज जैसे पहले बात करते हैं फ्लाइंग टाइप है इसमें क्वालिटी, तो फ्लाइंग टाइप पोकेमोन अगर आपको याद आए तो चारिज़ार्ड हो गया, ड्रैगनाइट हो गया, तो ये दोनों पोकेमोन क्या होता है कि रॉक अटैक से बड़ी इनकी मतलब दिक्कत होती है गाइज। वहीं पर आपका गैराडोस हो गया, उसको भी रॉक अटैक से बहुत दिक्कत है। तो गाइज जब भी आपके सामने फ्लाइंग टाइप मतलब करेक्टरिस्टिक आ गया, फ्लाइंग टाइप कोई पोकेमोन आ गया है, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ तो याद रखनी है गाइज कि इसको रॉक टाइप अटैक से दिक्कत है, स्टील टाइप अटैक से भी दिक्कत है, क्योंकि मेटाग्रोस का जो मेट्रो मैश है उससे मतलब बहुत दिक्कत होती थी, मतलब जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस पीवी बैटल में। तो वैसे मैं इसका डायरेक्टली आपको बताता हूँ कि इसके क्या क्या वीकनेस हैं गाइज। द स्ट्रॉन्गेस्ट वीकनेस इज ऑब्वियसली रॉक टाइप, क्योंकि रॉक फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स प्राइमरी टाइप इज आइस एंड सेकेंडरी इज फ्लाइंग, एंड आइस एंड फ्लाइंग बोथ हैव प्रॉब्लम विद रॉक टाइप। तो गाइज रॉक टाइप पोकेमोन लेके जाने जो कि मतलब पत्थर फेंकते हो गाइज। तो एक बार फिर से आपका जो बहुत सारे पोकेमोन नाम नहीं लूँगा यार, नाम ले भी सकते हैं, मेरे को तो एग्रोन आ रहा दिमाग में, एग्रोन यार वो रॉक थ्रो करता है, वो खतरनाक है गाइज, ठीक है। तो गाइज आप इसको रॉक टाइप है, इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है गाइज, फायर टाइप पोकेमोन है और स्टील टाइप पोकेमोन है गाइज। तो ये पोकेमोन्स अच्छा परफॉर्म करेंगे इसके अगेंस्ट में गाइज। वहीं पर इसकी रेजिस्टेंस क्या है गाइज, तो वो ग्राउंड हो गया आपकी, ग्रास हो गया और बग हो गया। तो ग्राउंड, ग्रास और बग, तो ये तो आपको समझना कि आइस टाइप पोकेमोन है तो ये तो टिकेंगे नहीं, तो लैंडोरेस बाबा को लेके मत चले जाना भैया, पिल जाओगे, ठीक है, चुटकियों में ख़त्म करेंगे इनको। तो ये तो इनकी वीकनेस गाइज। तो गाइज अब बात करते हैं अगर हम लोग इनको यूज़ करें पीवीपी बैटल्स में तो कौन सी लीग सबसे बेस्ट रहेगी गाइज। तो गाइज सबसे बेस्ट लीग जो रहेगी वो है अल्ट्रा लीग गाइज। अगर आप अल्ट्रा लीग में इसको यूज़ करते हैं ना गाइज बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जो पोकेमोन है ये मतलब काफ़ी अच्छा इफेक्ट करेगा गाइज आपके उन पोकेमोन के सामने, जैसे गिरेटिना हो गया गाइज, स्वैम्पट हो गया, क्रिसिलिया हो गया, पॉलीवर्थ हो गया और विनासोर हो गया, तो इनके सामने ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। वहीं पर रेजिस्टील आ गया यार, स्टील टाइप पोकेमोन, चारिज़ार्ड हो गया, फिर लैप्रास हो गया, एम्फोलियन हो गया और मेलमेटल हो गया, ये थोड़े दिक्कत करेंगे क्योंकि इनके पास रॉक अटैक भी होते हैं गाइस, रॉक स्लाइड मार देगा, फिर फ्लैश कैनन लग जाएगा, ब्लास्ट बन हो गए, तो ये अटैक थोड़ी सी दिक्कत कर देंगे गाइस, तो इनके सामने इसका इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा गाइस। तो गाइस अब बात करते हैं कि जब हम लोग अब आप लोग पकड़ने वाले हो यार, ठीक है, 19 तारीख के पास लगभग मेरे जितने व्यूअर्स हैं 40% व्यूअर्स के पास तो आर्टिकुनो मतलब मुझसे पहले आने वाला है, क्योंकि मुझे इतना तो भरोसा है कि तुम लोग क्या चीज़ हो गाइस। तो गाइस जैसे कि मेरे जो मूव सेट है गाइस ये बेस्ट मूव सेट नहीं है गाइस, ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज़ नॉट बेस्ट मूव सेट। बट गाइस अगर आपको बेस्ट मूव सेट रखने हैं आर्टिकुनो के लिए तो सबसे बेस्ट मूव सेट रहेंगे गाइस, मैं इसको साइड में लिख भी दूंगा, आइस शर्ड, आइसी विंड और हरिकेन। तो गाइस ये तीन जो मैंने अटैक बताए हैं गाइस, आइस शर्ड जो हो गया वो आपका हो गया गाइस फास्ट अटैक गाइस, ठीक है,
आईसी विंड है जो वो है चार्ज मूव। तो गाइस आईसी विंड इज़ फार इजी और उसको हम लोग ईजिली मतलब चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास आईसी विंड नहीं है तो उसको आप ला सकते हो गाइस। बट गाइस दूसरा टिकट अटैक है गाइस वो है हरिकेन। हरिकेन में गाइस थोड़ी दिक्कत है कि हरिकेन आप ईजिली नहीं ला सकते गाइस। हरिकेन के लिए गाइस थोड़ी मेहनत है क्योंकि जो हरिकेन है वो इसका लेगेसी अटैक है गाइस, एक्सक्लूसिव अटैक है। तो वो अटैक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलाइट चार्ज टीएम यूज़ करना पड़ेगा गाइस। और गाइस अगर आपको वो टीएम्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं एक बार यहाँ पर भी आई बटन में टीएम्स के ऊपर एक मैंने वीडियो बना रखी, वो आप देख सकते हैं गाइस। काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है मैंने तो आप देख सकते हैं गाइस। तो बेस्ट मूव सेट के बारे में बात करें तो आइस शॉट हो गया, उसके बाद आपका हो गया आईसी विंड और हरिकेन गाइस। दिस मूव सेट विल इनफ। तो ये तो मतलब गिराटिना के लिए तो मतलब बहुत दिक्कत की बात है यहाँ पर गाइस। सो गाइस इस वीडियो में जितना हमने बताया इतना भी सफिशेंट है। और अभी देखो जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए तो बढ़िया है कि रेड बैटल आने वाली है। जो लोग उसको बाद में देखेंगे इट्स ओके गाइस, वेट करना, इवेंट्स आते रहते हैं और ये अच्छा पोकेमॉन है गाइस। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग हैव अ नाइस डे गाइस। एंड कुछ वीडियो में रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना गाइस। बाय बाय गाइस।